नमस्कार किसान भाइयों, मालवा खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अभी अफीम की फसल और जिसमें मैंने चला रखे हैं रेनपोर्ट, क्योंकि अभी 8 से 10 दिन पहले हमारे यहाँ एक बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, जिससे अफीम की फसल काफ़ी ख़राब हो गई है। शायद अम्ली वर्षा हुई है, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना, जब फुहारे लगे रहे तो अपनी फसल को एक बार अम्ली वर्षा से जो साफ कर दूं, इसलिए इसके पत्ते की धुलाई हो जाएगी और सिंचाई भी हो जाएगी, तो जल्दी से फिर खेत सूख जाएगा। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसकी सिल बहुत दिनों तक नहीं जाती है, लेकिन जब कुएं का पानी एक बार इस खेत में फिर जाता है तो फिर खेत एकदम सूखता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है। क्योंकि और आप देख पा रहे होंगे फसल इस बार ज़्यादा डैमेज हो गई है। तमाम प्रकार की दवाइयों का प्रयोग भी किया, लेकिन कोई दवा कारगर नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। कभी ठंड तो कभी दूसरे दिन ही तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी बादल छाए रहते हैं, कभी मौसम साफ हो जाता है, एक जैसा मौसम नहीं है। मौसम क्षणभंगुर पलट रहा है, आज कैसा है कल कैसा रहेगा कुछ कह नहीं सकते। तो यदि आपके भी फसल ख़राब हो रही है और स्प्रिंकलर फुहारे लग रहे हैं तो एक बार उसकी सिंचाई कर देवे, ताकि जो एसिड पत्तों पे गिरा है बारिश के रूप में वो धुल जाए और आपकी फसल निरोगी हो, नरुगी कहता है ना जैसे मालवी भाषा में, ऐसी हो जाए, पीलापन थोड़ा कम पड़ जाएगा। मैंने हल्का सा इसमें यूरिया का छिड़काव कर दिया है, ताकि जो खेत की नमी है वो जल्दी से टूट जाए। हालांकि इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही कम मात्रा में यूरिया का यूज़ किया है, और पहले मैंने इसमें यूरिया नहीं दिया था, तो सोचा दे भी दूँ। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, सिंचाई हो रही है, बारिश से पत्तों पर जो एसिड जमा हो गया था वो धुल रहा है। तो एक छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों, यदि आपकी फसल भी इससे ख़राब हो रही है और यदि आपके वहाँ बारिश हुई है, तो निश्चित रूप से आप एक बार हल्की सिंचाई फुहारों से कर दें, और यदि फुहारे नहीं लगे हुए हैं तो भी हल्की सिंचाई बहाव पद्धति से कर दें, ताकि जो बारिश के पानी का असर है वो समाप्त हो जाए और आपकी फसल स्वस्थ हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें 2 या 3 दिन के बाद फिर से एक बार काली मस्सी की दवा का स्प्रे करूँगा। 3 स्प्रे अभी तक इसमें हो चुके हैं, लेकिन काली मस्सी जो बारिश के बाद अचानक उग्र रूप ले लिया है, इसमें कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मैंने कहा एक बार एसिड की धुलाई हो जाए, उसके बाद फिर से दवाई का प्रयोग करते हैं, ताकि दवाई अपना पूरा असर दिखाए। बस इतनी सी जानकारी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मालवा खेती यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय भी हमें भी बताइए, ताकि हमें भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।